ये है जी खजूरों की वैरायटी। सारी रमजान की तैयारी है, कुर्कियाँ, पापड़ी, पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। अच्छा खासा रश है मार्केट में। अच्छा वापसी में दे दूँ। क्या है? कैचअप का भी हो सकता है वो। ये 2 किलो का है शायद, है ना? 2 किलो का है ये। 5 किलो टोमेटो कैचअप पाउच, बड़ा पाउच टोमेटो कैचअप का। चेन नहीं, अरे आराम से। गर्मी हो और स्प्राइट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको ग्लास में डाल के ठंडी ठंडी बर्फ साथ डाल के पिए, आए हाय 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 क्या मजा आएगा। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। रोजा खराब कर, सबका रोजा खराब करूंगी मैं आज। जा रहा था, बज गया बज गया बज गया बज गया। आपने इतने गुस्से से देखा, वो वही रुक गया, पतीला गया ही नहीं आगे। आ जाओ जी, जिसने भांडे पुंडे लेने हैं आ जाए इधर भांडे लेने के लिए। छुरी, चम्मच, कांटे, हर चीज मिलेगी। दास में हर माल दास में। अरे 10 वाला जमाना गया बाजी। देख के यार, देख के इधर कांच की चीजें, ये रेड वेलवेट टाइप के कप कितने मजे के लग रहे हैं ना। तो जी बनाने लगी हूँ आज आलू वाले, सिर्फ आलू वाले पकोड़े, क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खा के दिल भर जाता है, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो सोचते हैं कुछ नया हो, कुछ और डिफरेंट हो। तो जी आज आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ, कुछ समोसे साथ मंगवाए, फ्रूट चाट है और शरबत है, बस ज़्यादा नहीं, बस क्योंकि नहीं खाया जाता अफ्तारी में, आप लोग को पता है इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, फिर सारी चीज़ें रह जाती हैं। हम लोग फिर इसमें बना तो लेते हैं कि यार इतना ये बना लें, ये कर लें, लेकिन आपको पता है फिर सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कम से कम चीज़ बनाएं, उतनी बनाएं कि जितनी आप लोग खा लें, ख़त्म हो जाए। फिर वो ख़राब होने में जाती है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होता, नुकसान भी होता है, गुनाह भी मिलता है। तो जी कोशिश किया करें कि उतना बनाएं जितना आप लोग खा लें। तो आलियान जो है ना मेरे कलरफुल मैक्रोनी के पीछे कल से पड़ा हुआ है। क्या कर ले हुई है, मैं आपको दिखा, क्या कर रहे हो ये आप? ये देखें जी मेरे कलरफुल मैक्रोनी पड़े हुए, और आलियान ने इसको जो है ना सारा दराज में गिराया हुआ है, इनके पीछे पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो आलियान? हो आप आलियान, इधर देखो, इधर देखो मुझे, क्या कर रहे हो ये? रमजान में तो रोज़ा खुलने में जी 2-3 मिनट रह गए हैं, तो बस अभी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, अफ्तारी सामने पड़ी है और दुआ मांग रहे हैं। आप लोग भी दुआ करें और अपना रोज़ा अच्छे से अफ्तार करें, अपना पेट समझ के खाएं, फूफी का वलीमा समझ के ना खाएं। आपने रोज़ा नहीं रखा जो पहले शुरू हो गए, ये बेईमानी है। तो चलें जी रोज़ा खोलते हैं। गया है हमारा दस्तरखान, ये देख सकते हैं अफ्तारी का सामान। ये है जी हमारी अफ्तारी, ना करते भी अच्छा खासा हो ही जाता है। तो खैर अभी हम करेंगे अपनी अफ्तारी, फिर उसके बाद आपसे